हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 टेक में। दोस्तों अगर आपको भी 30 से 50,000 का लोन चाहिए और बिना किसी सिविल स्कोर के, तो सबसे शानदार आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। साथ में आपको लाइव एक्सप्लेन भी करूंगा, लाइव आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे शेयर कर लेना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड आज के इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी सैलरी स्लिप की, कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे आपको 30 से 50,000 का लोन मिल जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अभी चलते हमारी मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको लाइव एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एंड कैसे आपको इसमें अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है और इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट और स्किप का, आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्किप करना है और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है और उसके बाद में आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है और आपके पास एक OTP आएगा 6 डिजिट का और OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ओके, और फिर करना है वेरीफाई टू प्रोसेस्ड। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई प्रोसेस करना है और OTP सबमिट करने के बाद में ओके, तो जो पेज लोडिंग होगा 1 से 2 सेकंड में होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। कंप्लीट नाम जो आपके आधार कार्ड में है वही आपको कंप्लीट नाम यहाँ पे आपको ठीक है टाइप करना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी सर्च करनी है। उसके बाद प्रोसेस पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एंड उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम करना वेट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको, लेकिन वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। ओके, तो एक नया ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल और सेल्फ प्रोप्राइटर है। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल जो ऊपर वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और IMN इंडिविजुअल आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार नंबर सबमिट करना है और आधार नंबर आपको सबमिट करने के बाद में आपको एक आधार कार्ड से जो लिंक है मोबाइल नंबर उस पर आपको एक OTP मिलेगा और OTP आपको यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ओके, तो वो आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एक आधार कार्ड का OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और OTP हमारे पास सेंड हो चुका है और हम यहाँ पे OTP हम सबमिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो OTP हमने यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको जो एक पेज लोडिंग होगा उसके बाद में आपको कम से कम भी 5 से 10 सेकंड का यहाँ पे आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में आपको यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा और पैन कार्ड जो आप यहाँ पे अगर आपके पास सेव है तो यहाँ पे गैलरी से आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट कैप्चा भी कर सकते हो। तो मैं अपने पैन कार्ड को थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने पैन कार्ड को ब्लर करके अपलोड कर दिया है, जिसके बाद में मैंने अकाउंट को ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को और यहाँ पे आपको अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपको पैन कार्ड स्कैन करते ही आपको यहाँ पे अप्रूवल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कम से कम भी आपको 10 सेकंड का या 15 सेकंड का वेट करना पड़ता है। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो 20,000 रुपये का अप्रूवल है और 998 रुपये की EMI है। 18% इसमें पर ईयर का इंटरेस्ट लगेगा और 2 साल के लिए हमें ये लोन मिला है। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इससे आप लोन ले सकते हो। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना।